हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है खोए वाली जलेबी, यानी कि जेजे की जलेबी। जी हाँ, ये जलेबी जितनी दिखने में खूबसूरत और ब्यूटीफुल है, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम जलेबी बनाना शुरू करते हैं। जलेबी बनाने के लिए मैंने 125 ग्राम मैदा लिया है, जिसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा करके 1.5 कप पानी यूज़ किया है। इस मैदे को मैंने पानी डालकर इतना फेंटा है कि इसके सारे लम्स जो है वो ख़त्म हो जाए। इसकी मेन टेक्निक यही है कि आपको इसे इतना फेंटना है कि इसके सारे लम्स जो है वो ख़त्म हो जाए। इसे कम से कम मैंने 5 से 8 मिनट तक इसे बीट किया है। जैसे ये बीट हो जाता है तो हम इसे 15 मिनट के लिए साइड में ढककर रख देंगे। इसके बाद 1 कप में मैंने एवरीडे का जो मिल्क पाउडर होता है, जो 10 रुपए का होता है, वो मैंने उसका एक पेस्ट बनाकर रख दिया है, ताकि ये हमें एंड में जलेबी बनने के बाद गार्निश करने में काम आए। इसे हमें थोड़ा सा ही पानी डालकर इसे फेंट कर साइड में रख देना है। सबसे पहले हम शुगर सिरप बना लेते हैं। शुगर सिरप के लिए मैंने 250 ग्राम शक्कर ली है और उसे मैंने इतना पानी डाला है कि जो शुगर है यानी शक्कर जो है वो डिप हो जाए। इसके अंदर मैंने सिर्फ 4 इलायची यूज़ की है। अभी हम गैस पर इसे पकने के लिए रख देंगे। हमें शुगर सिरप का जो कंसिस्टेंसी है इतनी रखनी है कि ना वो ज़्यादा गाढ़ी हो जाए ना वो ज़्यादा पतली रह जाए। अगर शुगर सिरप एकदम पतला रहेगा तो आपकी जलेबी जो है वो एकदम नरम हो जाएगी। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम खोया यानी कि मावा लिया है। अब मैं इसे अच्छे से क्रश कर दूंगी। मैं इसे इतना क्रश कर दूंगी कि ये बारीक बारीक टुकड़ों में हो जाए। और अभी जो बैटर हमने मैदे का बनाकर रखा है उसमें मैं ऐड करके उसे अच्छे से फेंट लूंगी। इसकी टेक्निक भी यही है कि हमें इसे इतना फेंटना है कि इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएं, ताकि हम जब जलेबी बनाएं तो पाइपिंग बैग में से जो बैटर है वो बराबर से निकल सके। तो इसे हमें अच्छे से कम 5 मिनट तक हमें इसे बीट करना है। यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। पाइपिंग बैग को मैं सामने से अच्छा एक बड़ा कट कर लूँगी, जिससे जलेबी जो है वो मोटी निकले। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये मावे वाली जलेबी है तो इसके लिए आपको जो सामने से जो आपको पाइपिंग बैग काटना है वो थोड़ा बड़ा ही कट करना होगा। पाइपिंग बैग मैंने एक मग में प्लेस कर दिया है और आपको अभी इसमें बैटर डाल के फिल करना है। और इसी तरीके से हम पाइप करते हुए जलेबी को बनाएंगे। पाइपिंग बैग की मदद से ये जलेबी बहुत ही आसानी से बन जाती है। ये एक बहुत ही इजी टेक्निक है जलेबी बनाने के लिए। अगर आप कोई दूसरी टाइप की जलेबी भी बना रहे हो तो उसके लिए भी आप पाइपिंग बैग यूज़ कर सकते हो। बस इतना है कि आपको जो पाइपिंग बैग है वो थोड़ा छोटा काटना होगा। इसी तरीके से मैं सारी जलेबी बना दूंगी और जैसे जैसे एक एक बैच कंप्लीट होता जाएगा, फ्राई होता जाएगा, मैं उससे तुरंत ही शुगर सिरप में डिप कर दूंगी। शुगर सिरप जो है वो हो चुका है और मैंने वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर रख दिया है। जैसे ही हमारी जलेबी ब्राउन होती जाएगी, इतना याद रखना है ये जलेबी जो है इसे हमें, इसकी एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये जलेबी मतलब ज़्यादा लाल ना हो जाए, ऐसी कोई टेंशन नहीं होती। ये जलेबी को हमें प्रॉपर डार्क गोल्डन ब्राउन ही करना है।
इस जलेबी का मेन टेस्ट उसी डार्कनेस से आता है। अब मैं इसे शुगर सिरप में डिप कर दूंगी। जैसे जैसे बैजेस होते हुए जाएंगे, हमें शुगर सिरप में इस जलेबी को डिप करना है, और नेक्स्ट बैच जब हो जाएगा तो ये जलेबी को निकाल कर हम एक प्लेट में प्लेस कर देंगे। जलेबी बनाने के बाद हमें इसे ज्यादा देर शुगर सिरप में डिप करके नहीं रखना है, बस हमारी जलेबी तैयार है। गार्निशिंग के लिए मैंने जो मिल्क पाउडर का पेस्ट बनाया था, मैं ये उसके ऊपर डाल दूंगी। जितनी ये दिखने में खूबसूरत है, उससे कई ज्यादा ये खाने में यम्मी है। देखिए ये कितनी जूसी और कितनी टेस्टी लग रही है। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी जरा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करके जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।